हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी दिवाली है और हम सभी लोग कोई ऑफलाइन कोई ऑनलाइन सभी शॉपिंग कर रहे हैं अपने घर को डेकोरेट करने की। तो मैं तो शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद से ही बना रही हूँ ढेर सारे डीआईवाई जो कि हमारे घर में बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। आप इनमें प्लांट लगा के अपना इंडोर गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अपने सारे ही डीआईवाई दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने खुद से ही बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला वाला DIY। तो ये देखिए, सुपर क्यूट DIY है ये। इस तरीके के DIY आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। हाँ, आप इन्हें खुद से ही बना सकते हैं घर में ही कबाड़ को यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे दो कंटेनर यूज़ किए हैं, ऊपर क्रीम की डब्बी है और नीचे एक बेकिंग सोडा का डिब्बा था, उसको मैंने यूज़ किया है। सारी ही चीज़ें मैंने खुद से बनाई हैं, जो आपके बटन जैसे ये दिख रहे हैं, ये भी मैंने POP से बनाए हैं, सॉरी वॉल पुट्टी से बनाए हैं। वॉल पुट्टी काफ़ी सस्ती होती है लेकिन अमेजिंग होती है, इससे ढेरों DIY बनाए जा सकते हैं। ये जब भी हमारे बल्ब वगैरह ख़राब हो जाते हैं LED, तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन हमारे जैसे कबाड़ी लोग उन्हें फेंकते नहीं हैं, उन्हें कबाड़ से कमाल में तब्दील कर देते हैं। तो ये देखिए, LED बल्ब से बनाया है मैंने क्यूट सा मुर्गा, जो कि बहुत क्यूट है और डेकोरेट करने के लिए घर में बहुत काम आने वाला है। आपके आस पड़ोसी भी और आपके दोस्त भी पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से ख़रीदे हैं। इसके बाद में दिखाती हूँ आपको, ये है केटल, ये भी मैंने प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ करके बनाई है। माजा की बॉटल थी ये और उसके ऊपर मैंने इस पे वॉल पुट्टी से काम किया है। अगर आप चाहें तो होल बना के इनमें डायरेक्ट प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर प्लास्टिक लगी हुई है तो प्लांटर ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा पानी डालेंगे, स्प्रे वगैरह करेंगे, तो फिर ये ख़राब हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इनमें कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगाएं या फिर ऐसे प्लांट लगाएं जिन्हें आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। अब कैटल तो बना ली है, उसके साथ हमें चाहिए सॉसर और कप। तो ये देखिए, ये सॉसर भी मैंने बनाई है वॉल पुट्टी को ही यूज़ करके। सारे ही DIY मैंने वॉल पुट्टी को यूज़ करके बनाए हैं। ये माजा की बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा है और जो कैटल में लगा है वो नीचे वाला हिस्सा है। एक ही बॉटल को मैंने यूज़ किया है और कप प्लांटर बनाया है, कैटल बनाई है, तो अपना पूरा टी सेट मैंने रेडी किया है। काफ़ी खूबसूरत है और ज़रा सा ही गोल्डन कलर मैंने इस पर लगाया है, इसके अलावा कोई डेकोरेशन नहीं की है। बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लगने वाला ये वाला क्राफ्ट है, आप चाहें तो इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं। ये देखिए, टिन के कंटेनर तो हमारे पास पड़े ही होते हैं, तो उनके ऊपर मैंने वॉल पुट्टी से थोड़ा सा काम किया है और कितना शानदार प्लांटर रेडी हुआ है। आप इन प्लांटर को बोनसाई की तरह बना सकते हैं, इनमें आप डायरेक्ट प्लांट लगा सकते हैं नीचे बॉटम में होल बना के। और ये वाला जो है, आप इसे बोनसाई प्लांटर बना सकते हैं, ये भी टिन कंटेनर है, कुकी का कंटेनर था और उस पर जरा सी वॉल पुट्टी से मैंने काम किया है और शानदार दिखने वाला प्लांटर हमारा रेडी हो गया है। अभी तो हमारे घरों में ऐसे कंटेनर आने ही वाले हैं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न बस चल ही पड़ा है, नवरात्रों के बाद तो सारे फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं। ये भी मैंने टिन के कंटेनर से ही बनाया है, जो रसगुल्ले के डब्बे होते हैं उनसे मैंने इनको बनाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कबाड़ी से भी इनको ले सकते हैं। इनमें तो थोड़ी सी ही वॉल पुट्टी लगाई है मैंने और देखिए कितने खूबसूरत प्लांटर रेडी हो गए हैं। और इसमें बस इसके जो स्पैक्स हैं और ये जो बटन्स हैं, इसकी आंखें, नोज़ और दांत जो हैं वो सिर्फ वॉल पुट्टी से बने हैं, बाकी बिल्कुल प्लेन है बॉटम में होल करके। और आप इनमें डायरेक्ट प्लांट लगाएं, सालों साल चलेंगे। जब भी कभी ये ख़राब हो जाए इनके पेंट वगैरह, तो अपने रीपेंट करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। मेरे भी ये जो कंटेनर थे, ये यूज़ कर करके थोड़े से डल हो गए थे, तो मैंने इनमें दोबारा से पेंट करके रख दिया है, क्योंकि दिवाली है तो हमें सब चीज़ नई और खूबसूरत चाहिए। तो मैंने सारे प्लांटर्स अपने रीपेंट कर दिए हैं जो पुराने हो गए थे। ये बनाए हैं मैंने POP से। फ्रेंड्स, ये वाले भी कंटेनर काफ़ी अच्छे हैं, देखिए फिनिशिंग इनमें काफ़ी है और इनमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ बनाया है एक मैंने राउंड कंटेनर, आप चाहें तो इनमें डायरेक्ट प्लांट लगाएं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि डायरेक्ट प्लांट अपने फैंसी पॉट्स में कभी ना लगाएं, चाहे वो कैसे ही हों। इस तरीके के फेक प्लांट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप वो ले लें तरह तरह के और उन्हें रख दें और आप इन्हें इंडोर गार्डन में फिर सजा दें। ये कभी ख़राब भी नहीं होंगे ना ही पुराने होंगे, और जब भी थोड़े से डल लगे आपको 2-4 साल में, तो इनको रीपेंट कर दो। तो रीपेंट करने से क्या होगा कि एक तो आपको नई तरीके का प्लांटर नए कलर में अवेलेबल हो जाएगा और
प्लांटर की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और खूबसूरत तो ये लगने ही लगेंगे। इनके अंदर भी आप प्लांट लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने बनाया है, अभी रिसेंटली वीडियो मैंने अपलोड करी थी, ये मैंने बनाया है कार्डबोर्ड और वॉल पुट्टी से। ये वाला जो DIY है काफ़ी खूबसूरत है, यूनिक है, मार्केट में भी आपको इस तरीके के प्लांटर्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना ही खोज लें। इस तरीके से आप सेंटर में कोई प्लांट लगा दें, चाहे तो मनी प्लांट लगा दें पानी में रख के, इसमें आप डायरेक्ट प्लांट ना लगाएं, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्ट प्लांट लगाएंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, और इतनी मेहनत के बाद बनाया हुआ प्लांटर हम नहीं चाहेंगे कि ये जल्दी ख़राब हो जाए। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। मेरी एक फ्रेंड है रंजना जी, उन्होंने कमेंट करके मुझे बोला था कि जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उन्हें लगा कि ये कहीं आपने मार्केट से तो परचेज़ नहीं किया है। बहुत खुशी होती है जब हमारे दोस्त हमारी ऐसे प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो वही हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि हम अगर कुछ मेहनत करके बनाते हैं तो कोई बस प्यार के दो बोल, तारीफ़ के दो बोल हमें बोल दे। तो ये है कांच की बॉटल। इस तरीके की बॉटल्स तो फ्रेंड जब भी हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं तो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह आती ही हैं, तो फेंकना क्यों, अगर उन्हें हम यूज़ करके डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। इसमें आप पानी डाल के ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो पानी में अच्छे से ग्रो होते हैं। इसके मैंने स्पेक्स बनाए हैं, नाक बनाई है, मूछ बनाई है और क्लिप्स बनाए हैं, ऊपर बनाई है हेड जूट की रस्सी से, और काफ़ी यूनिक से प्लांटर से बन के रेडी हो गए हैं। और आप इन्हें घर में अंदर लगाएं, चाहे आप किसी को गिफ्ट दें, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, अपने किसी लव वन को आप गिफ्ट देंगे तो बहुत खुश होगा, क्योंकि आपने इसे बड़े प्यार और बड़ी मेहनत से बनाया है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, आपको कैसे लगे वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही दोगे। तो ये तो झट से बनने वाला प्लांटर है। वॉल पुट्टी को सिर्फ बेल देना है रोटी के जैसे, और फिर किसी भी ग्लास या कंटेनर के ऊपर रख देना है। और ये देखिए खूबसूरती देखिए इसकी, झट से बनने वाला है और इतना ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है, सिंपल है, लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर भी आप डायरेक्ट प्लांट ना लगाएं, कोई भी आर्टिफिशियल मिलने वाला प्लांट आप इसमें लगाएं, खूबसूरत लगेगा, सालों साल चलेगा, ब्रेकेबल है, लेकिन ख़राब होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये देखिए जैसे एक हमारी ट्री की स्टेम होती है वैसा मैंने प्लांटर बनाया है। इसमें मैंने प्लांट लगाया हुआ था पहले, फिर इसको हटा के रख दिया था क्योंकि काफ़ी दिन से प्लांट लगा हुआ था, बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ को देख देख के। तो ये बिल्कुल सिंपल है, देखिए इसमें मैंने बॉटल में होल भी बनाए हुए हैं, अंदर लगाई हुई है मैंने इसमें माजा की बॉटल जो होती है ना, उसमें थोड़ा कर्व होता है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं उसे बहुत यूज़ करती हूँ अपने प्लांटर्स में। तो ये बिल्कुल ट्री का जो मोटा तना होता है ना, मेन स्टेम जो होती है उसकी, बिल्कुल इसके जैसा बना है। इसके बाद देखिए ये मेरा सबसे ज़्यादा मेहनत से बनाया हुआ प्लांटर है, और मेरी बेटी ने इसको पहना दिया है एक मोतियों का हार, जिससे हमारी डक काफ़ी अमीर लग रही है। और ऐसा मैंने ना एक वीडियो में देखा था, काफ़ी अच्छा चैनल है उनका, बहुत अच्छी क्राफ्ट करते हैं वो, तो मैंने सोचा चलिए बना के देखती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं इसे बना लूँगी। मेहनत मुझे इसमें काफ़ी लगी, आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें करने की, लेकिन जब ये बन के रेडी हुआ मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं इसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई मैंने, तो चलिए चलता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं इसको देखना मेरे चैनल पे, तो अगर मुझे कमेंट करेंगे आप, दो चार कमेंट आएंगे इसके बारे में, तो मैं ज़रूर इसको बनाने का ट्राई करूँगी, और मेरा पेयर भी हो जाएगा ये। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है, ये भी मैंने बॉटल के ऊपर ही बनाया है। और जो भी हम चीज़ मन से बनाते हैं, सोचते हैं कि हमें बनाना है, तो मेहनत करते करते देखिए बन ही जाती है। और मैंने देखिए क्या क्या रखा हुआ है इसके अंदर, आप इसे किसी पेन होल्डर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हैं ये गार्डन स्टेक, जिन्हें कि आप अपने इंडोर रखे हुए प्लांट्स की मिट्टी में लगा दें, लगे हुए काफ़ी खूबसूरत लगेंगे और प्लांट भी अच्छा लगेगा, और प्लांटर के अंदर थोड़ी सी कुछ आपकी क्रिएटिविटी भी हो जाएगी। ये तो झट से बनने वाले हैं, इनमें तो कोई मेहनत का काम है ही नहीं। ये देखिए जो कुल्फ़ी की जो स्टिक्स होती हैं उनके ऊपर मैंने इनको चिपका दिया है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ फ्रेंड्स। आप मेरे घर में आके देखेंगे तो जितना कबाड़ा कबाड़ी के घर में नहीं होता है उतना मेरे टेरेस पर पड़ा हुआ है। अगले हैं ये फिश प्लांटर। ये फिश प्लांटर को मैंने एंटीक लुक दिया है, जैसे ब्रास के होते हैं, शायद मैं भूल गई,
जो भी हैं एंटीक लगते हैं, जैसे बहुत पुराने समय से हमने रखे हुए हैं इनको, काफ़ी खूबसूरत हैं। ये फूड कंटेनर पे ही मैंने बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, और एक ओवल है एक राउंड है, इनके अंदर भी आप बोनसाई प्लांट्स लगा सकते हैं। ऐसे प्लांट लगाएं जिनमें पानी की कम ज़रूरत हो, खूबसूरत काफ़ी हैं। घर के अंदर रखेंगे तो दोस्त भी पूछेंगे भाई कहाँ से लिए हैं इतने खूबसूरत खूबसूरत और यूनिक प्लांटर्स। तो एक बड़ा है एक छोटा है और काफ़ी सुंदर हैं। और वॉल पुट्टी काफ़ी सस्ती आती है फ्रेंड्स, 5 किलो 120-130 रुपये की आ जाती है, और 5 किलो में ढेरों आपके क्राफ्ट बन के रेडी हो जाते हैं। अब ये है टर्टल प्लांटर, ये फ्रेंड्स मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, उस टाइम मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं थी, अब देख पा रहे हैं थोड़े आज के हिसाब से थोड़े ये कम अच्छे बने हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो प्रैक्टिस तो धीरे धीरे ही होती है, और शुरुआत में जब मैंने इनको बनाया था तब भी मुझे काफ़ी खुशी हुई थी, और अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना इम्प्रूव किया है मैंने आज के टाइम में। तो ये दो बनाए हैं मैंने, ज़्यादातर चीज़ें दो के सेट में ही बनाई हुई हैं, दो चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक सिंगल चीज़ मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। तो इसके बाद है देखिए मेरा ये वाला प्लांटर, मैंने ऐसा प्लांटर ऑनलाइन देखा था, वो सिरेमिक का था और काफ़ी सुंदर है ये भी, तो मैंने सेम टू सेम ऐसा ही बना लिया है। इसमें सिर्फ मैंने नोज़ बनाई है और इसके जो लिप्स हैं और आँखें हैं बस वो ड्रॉ किए हैं, प्लास्टिक के कंटेनर के ऊपर ही मैंने बनाया है ये, और इसमें मैंने होल नहीं किया है क्योंकि मैं इनमें डायरेक्ट प्लांट नहीं लगाने वाली हूँ, मैं इन्हें सालों साल चलाने वाली हूँ। इस तरीके से बस मैं प्लांटर रख दूँगी इनके अंदर, और इस दिवाली मेरे घर में सिर्फ मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें ही दिखेंगी, मैं मार्केट से कुछ भी परचेज़ नहीं करने वाली हूँ। तो ऑनलाइन महंगे मिलने वाले प्लांटर्स हम घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपने मर्जी के कलर डिज़ाइन भी इनके ऊपर कर सकते हैं। अगले हैं ये कप प्लांटर, कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स से काफ़ी ट्रेंड में थे, इनको वॉल पे हैंग किया जाता है, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी क्यों ना बना लूँ। ये ऑनलाइन मैंने शायद 550 या 450 रुपये इनका प्राइस था तीन का, तो मैंने भी तीन ही बनाए हैं, एक है ये और दो मैंने वॉल पे हैंग कर दिए हैं। जो माजा की बॉटल होती है उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जो राउंड होता है, उनको मैंने लगा के इसमें बनाया है, और काफ़ी जल्दी से बनने वाले प्लांटर है क्योंकि इनमें सिर्फ कप की शेप देनी है और कोई ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं है। और जब कभी कभी फ्रेंड्स हमारा मन नहीं करता है ना कुछ करने का, तो हमारे ऐसे प्लांटर रेडी होते हैं। तो ये बस मैंने ऐसे ही मज़े मज़े में बना दिया, जो कि इतना बुरा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, पर कभी कभी होता है चलिए कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ कर लेते हैं, तो ये बन के रेडी होता है हमारा। और ये देखिए बड़े प्यार और बड़े ध्यान से मैंने बनाए हैं ये दो कंटेनर, पीछे से मैंने कुछ नहीं बनाया है, और आगे सिर्फ मैंने इनमें दो फ्लावर्स बना दिए हैं, बड़े बड़े स्टेम बना दी है, लीव्स बना दी है, और ये भी फूड कंटेनर के ऊपर बने हुए हैं, और काफ़ी खूबसूरत हैं, यूनिक है, और इनके जो कलर हैं काफ़ी वाइब्रेंट है, और इनके ऊपर वाइट खिल भी बहुत अच्छा रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इजी टू मेक है, इजी टू यूज़ है। इसके बाद है मेरा बहुत दिनों से सोचा हुआ प्लांटर, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मैंने ऑनलाइन सॉरी यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मैंने सोचा चलिए सब बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकती। फिर मैंने बनाया है ये जिराफ प्लांटर, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, जितने भी DIY आपने देखे हैं आज सभी की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जिसका भी लिंक बोलेंगे मैं उसी का लिंक आपको दे दूंगी। तो आज के सारे ही प्लांटर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं फ्रेंड्स, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इन प्लांटर्स को लेके कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई आपको मुझे सुझाव देना है या फिर कोई लिंक वगैरह चाहिए, और अगर आप चाहेंगे आप ऐसे प्लांटर बाय करना चाहते हैं तो फिर मैं आपके लिए स्पेशली वो बना दूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सा प्लांटर चाहिए, मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ। एक कमेंट आया था फ्रेंड का, क्या आप ये सब सेल भी करते हैं, तो जी हाँ, अगर कोई ऑर्डर मिले अच्छा सा तो मैं बना के सेल भी कर सकती हूँ। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, जितने भी प्लांटर थे मैंने आपको दिखा दिए हैं, कुछ प्लांटर हैं कुछ DIY हैं डेकोरेशन के लिए, अगर अच्छे लगे तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।